नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा बिट्स एंड बाइट्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो सभी की फेवरेट पनीर टिक्का और चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने किस तरह से बनाया है। इसके लिए पहले मैंने ले लिया है पनीर। पनीर को हमें मोटे मोटे काट लेने हैं। अब इसके क्यूब्स बनाना है तो उसे भी मैं थोड़े मोटे मोटे ही काटूंगी। मोटे मोटे काटना इसलिए जरूरी है कि जब हम इसे स्क्वायर पर डालेंगे तो वो कहीं फट ना जाए, टूट ना जाए। तो इसी तरह मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। तो सभी पनीर के क्यूब्स कट कर लिए हैं। अब मैंने चिकन को भी पहले से कट करके रखा है। ये बोनलेस चिकन है और दही को मैंने छलनी पर इस तरह से छान लिया है। देखिए नीचे इसकी पानी सारी निकल गई है। अब मैंने ले लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च। इसका हमें फाइन सा पेस्ट बना लेना है। मिक्सी में डाल लेते हैं और इसका फाइन सा पेस्ट बना लेते हैं। तो अब मैंने एक बड़ी सी जगह पर ले ली है दही को। अब उसमें मैं ये पेस्ट ऐड करूँगी, फिर डालूँगी स्वादानुसार नमक और ये कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है तो उसे मैंने ले लिया है एक चम्मच के जैसा। और डालूँगी अब ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर हाफ चम्मच, ये तंदूरी चिकन मसाला उसे भी मैं हाफ टी स्पून ही डालूँगी। और लेनी है ब्लैक पेपर, ये गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और डालूंगी चाट मसाला है तो ये मैं थोड़ी सी चाट मसाला भी ऐड कर दूंगी हाफ चम्मच के करीब। अब मैं डालूंगी कसूरी मेथी, तो इसे मैंने ले लिया है और थोड़ी सी मसल कर इस तरह से क्रश करके डाल देना है। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है इसका टेस्ट, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ। अब ले लूँगी रोस्टेड ग्राम फ्लावर, तो ये भुना हुए चने की सत्तू जिसे कहते हैं ये वही है। अब तेल को भी मैंने थोड़ा गर्म कर दिया है, ये मैंने सरसों का तेल लिया है। तो अब सभी मसाले को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं वही रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती हूँ जो बनाने में इजी होती है, क्योंकि मैं थोड़े इजीएस्ट वे ही चूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को भी वही मैं शेयर करती हूँ, और जो रेसिपीज मेरे घर में सभी को पसंद आती है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये मैंने प्याज और कैप्सिकम के क्यूब्स इस तरह से कट कर लिए हैं। तो अब मसाले में मैंने हाफ नींबू को निचोड़ लिया है। फिर से पूरे मैरिनेशन के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब चिकन में मैं ये मसाले को ऐड कर दूंगी और ये बाकी जो मसाले उसे मैं पनीर में यूज़ करूंगी। तो अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब पनीर को भी मैं ये मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लूंगी। तो इसे हमें हाथों से ही करना है ताकि वरना पनीर टूट जाएगी। तो एक एक पनीर को लेना है, मैं अच्छे से मसाले पे कोट कर लेना है इस तरह से। तो अब बाकी मसाले में मैं प्याज और कैप्सिकम को भी इस तरह से पूरे मसाले के साथ मिक्स कर लूंगी। तो ये मैरिनेशन मैं 7 से 8 घंटे के लिए रख दूंगी, मैरिनेशन करके फ्रिज में रख देना है। तो जितना ज़्यादा मैरिनेशन होगी तो उतनी अच्छी ही फ्लेवर आएगी। तो इसे ऊपर मैं क्लिंग रैप लगा देती हूँ, तो इसे करके अब फ्रिज में मैं इसे रख दूंगी। तो ये पनीर में भी कर दिया, अब चिकन में भी मैं इसे भी मैं 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज पे रख दूंगी। तो आप जब बनाएं तब इसे फ्रिज से 1 घंटे पहले ही निकाल लें ताकि ये रूम टेम्परेचर में आ जाए। तो अब चलिए स्टिक को रेडी कर लेते हैं। तो पहले मैं लगा लूँगी कैप्सिकम, फिर लगाऊंगी प्याज। अब पनीर के पीसेस को इस तरह से डाल लेना है, फिर डालूंगी कैप्सिकम, प्याज और फिर पनीर की एक पीस को मैं इस तरह से डाल लूँगी। तो हमें इसी तरह से सभी स्टिक्स को रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरह पनीर टिक्का या चिकन टिक्का कुछ भी बनाएं तो इसके मैरिनेशन टाइम थोड़ी ज़्यादा रखेगा कि ये आप अगर ज़्यादा रखेंगे तो इसके टेस्ट का भी उभर के आती है। तो मैंने इसे सभी सवेरे ही मैरिनेट कर लिया था और ये मैं शाम के वक्त बना रही हूँ।
करीब करीब 9 घंटे बाद। तो ये मैंने चिकन के स्टिक्स भी रेडी कर लिए हैं। पनीर को मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में, तो ये मैं पनीर के स्टिक्स को इसमें डाल लेना है और ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर को ब्रश कर दूंगी। तो मैं ये पनीर टिक्का एयर फ्रायर में पहली बारी बना रही हूँ, तो इसमें अभी एयर फ्रायर में डाल लेते हैं और इसे मैं 5 मिनट में सेट कर दूंगी। और चिकन टिक्का को मैं बनाऊंगी गैस ओवन तंदूर में, तो उसे मैंने पहले प्रीहीट कर लिया है। अब ऊपर में मैं थोड़ा सा बटर ब्रश कर ले रही हूँ। अब चिकन के स्टिक्स को मुझे इस पर रख लेना है। तो ये गैस ओवन तंदूर की नीचे की लेयर में हमें पानी डालना होता है और ये ऊपर जाली पे हमें ऑयल ब्रश करके या बटर ब्रश करके आप जो भी टिक्का वगैरह बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये 5 मिनट बाद ये देखिए पनीर की टिक्का थोड़ी सी ब्राउनिश कलर हो गई है। तो मैं इसे बटर और थोड़ी सी दूंगी और इसे उलट दिया है मैंने, तो इसे फिर से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। और इधर चिकन की पीसेस भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसके ऊपर भी मैं बटर ब्रश कर लूंगी। 5 मिनट के बाद इसे हमें उलट लेना है और उसके बाद मैं बैक साइड में भी इसमें बटर को ब्रश कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपीज कैसी लगती है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चिकन टिक्का को फिर से कुछ देर के लिए रख देते हैं और इधर पनीर टिक्किया बनकर तैयार है, तो इसे अब सर्व कर लेते हैं। पूरा किचन ये टिकिया की सुगंध से महक रहा है, बहुत ही खुशबूदार। तो ये देखिए कितने सुंदर कलर आई है। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है और अब चिकन की टिकिया भी तैयार हो गई है, तो उसे भी सर्व कर लेते हैं। तो इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इट्स माई रिक्वेस्ट, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।